जय जयेंद्र, मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। श्रवण संगीत सलाहकार नवकार साधक उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज, ज्योतिषाचार्य गुरुदेव श्री संयोग ऋषि जी महाराज थाना सात लुधियाना के सिविल लाइन स्थित जैन स्थानक में विराजमान है, जहाँ प्रतिदिन प्रवचन के बाद अन्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन लाभ ले रहे हैं। श्रवण संगीत सलाहकार नवकार साधक उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज, ज्योतिषाचार्य गुरुदेव श्री संयोग ऋषि जी महाराज थाना सात लुधियाना के सिविल लाइन स्थित जैन स्थानक में विराजमान है, जहां प्रतिदिन प्रवचन के बाद अन्य पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन लाभ ले रहे हैं। आज सूर्य मीन राशि के मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। वैशाख मास त्रयोदशी तिथि शनिवार 14 अप्रैल 2018, यह संक्रांति आप सबके लिए कल्याणकारी मंगलकारी हो। और आज से लेकर के अगली संक्रांति तक नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानकाय नमः, ओम श्री वासुपूज्यनाथाय नमः, ओम श्री वासुपूज्यनाथाय नमः। से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। जैन तरुणी मंडल सिविल लाइंस लुधियाना द्वारा आज संक्रांति के अवसर पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ श्रीमती परवीन जैन जी ने लिया, जिन्होंने लंगर की शुरुआत महामंत्र का जाप करके रिबन काट कर की। जैन तरुणी मंडल सिविल लाइंस लुधियाना द्वारा आज संक्रांति के अवसर पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ श्रीमती परवीन जैन जी ने लिया, जिन्होंने लंगर की शुरुआत महामंत्र का जाप करके रिबन काट कर की। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वजायानम नमो लोए सब साहूनम एसो पंच नमो कारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सबे सिंह पड़े मम हवे मंगलम सिंह मंग हवे मंगल।
संक्रांति के अवसर पर, वैशाख की संक्रांति पर ये सब जैन तरुणी मंडल सिविल लाइंस की महिलाएं एकत्रित हुई हैं। हम सब ने एक विशाल लंगर का आयोजन किया है, सबके सहयोग से, सबके रजामंदी से ये लंगर लगाया जा रहा है और इस लंगर का लाभ ग्लोरी वाले आंटी प्रवीण जैन जी ने लिया है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। बैसाखी के शुभ अवसर पर लुधियाना के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा भाई रणदीप सिंह नगर में थायरो केयर कंपनी की श्रीमती अनीता भंडारी के सहयोग से डॉक्टर सविता जैन की देखरेख में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर और थायराइड की बीमारियों के माहिर डॉक्टर ने मरीजों की जाँच की। बैसाखी के शुभ अवसर पर लुधियाना के श्री गुरुद्वारा सिंह सभा भाई रणदीप सिंह नगर में थायरो केयर कंपनी की श्रीमती अनीता भंडारी के सहयोग से डॉक्टर सविता जैन की देखरेख में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर और थायराइड की बीमारियों के माहिर डॉक्टर ने मरीजों की जांच की। मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है, मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हाँ, ओसवाल हस्पताल विच काम करती हाँ। अज विसाखी के शुभ मौके पर गुरद्वारा सिंह सभा ई ब्लॉक BRS नगर में असी मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया है, जिस विच हले तक 200 तो उपर मरीज़ आ चुके हैं। इस विच असी शुगर की जाँच, ब्लड प्रैशर, थायरॉयड, 3 महीने की शुगर, शुगर का वक् वक् अंगा के उपर असर जिमें गुरद्या की जाँच, नसा की जाँच, तो इस तो अलावा असी हड्डिया की कमजोरी की जाँच भी ये मुफ्त कर रहे हाँ। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। नकोदर में आज बाबा साहेब अंबेडकर जी के 127वें जन्मदिन के संबंध में चेतना रैली निकाली गई और नकोदर के अंबेडकर चौक में लगी बाबा साहेब की मूर्ति को फूलों के हार पहनाकर बाबा साहेब का जन्मदिन बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके सुखविंदर गढ़वाल, रमेश बंगड़, सरबजीत सहोता, जसविंदर चुंबर, रमन गढ़वाल आदि उपस्थित थे। नकोदर में आज बाबा साहेब अंबेडकर जी के 127वें जन्मदिन के संबंध में चेतना रैली निकाली गई और नकोदर के अंबेडकर चौक में लगी बाबा साहेब की मूर्ति को फूलों के हार पहनाकर बाबा साहेब का जन्मदिन बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके सुखविंदर गढ़वाल, रमेश बंगड़, सरबजीत सहोता, जसविंदर चुंबर, रमन गढ़वाल आदि उपस्थित थे। In here, Malardaspura, and we are celebrating 127th Dr. Bhimrao Bhartradam, Dr. Bhimrao Ambedkar's 127th birth anniversary. Sare jinna bhi desh de sare jinne jithe bhi meri community de log baithe aa unna nu saryan nu bahut bahut mubarakaa unna de 100 Bharati Samvidhan de nirmata Bhartradam aur gareeban de masiha बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्हों का अज समुचे विश्व के अंदर 127वां जन्मदिन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के जोश में मनाया जा रहा। अज नकोदर के भी समुचे बाबा साहब के पैरोकारों वालों इस उन्होंने जन्मदिन मनाने के लिए पहला चेतना मार्च कटे और शोभा यात्रा कटिया जा रही। अज उन्होंने इस पवित्र यादगार स्टैचू के उत्ते नकोदर से पुनीत अरोड़ा की रिपोर्ट। वैसाखी खालसा साजना दिवस जो पूरे दुनिया में बड़ी शान से मनाया जा रहा है, वहीं पंजाब में भी खालसा पंथ के जन्म के संबंध में अलग अलग जगहों पर धार्मिक गुरमत समागम रखे गए, जिनमें गुरुद्वारा चरण छूबे आज का यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। खालसा साजना दिवस के बारे में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा साहिब के प्रधान मनजीत सिंह जवद्दी ने कहा कि 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने अपने खालसा फौज को जुर्म और दुश्मनों को और सिख पंथ विरोधियों को टक्कर देने के लिए अपनी खालसा फौज को अमृत पान करवा कर शेर बनाया था। वैसाखी खालसा साजना दिवस जो पूरे दुनिया में बड़ी शान से मनाया जा रहा है, वहीं पंजाब में भी खालसा पंथ के जन्म के संबंध में अलग अलग जगहों पर धार्मिक गुरमत समागम रखे गए, जिनमें गुरुद्वारा चरण छूबे आज का यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। खालसा साजना दिवस के बारे में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा साहिब के प्रधान मनजीत सिंह जवद्दी ने कहा कि 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने अपने खालसा फौज को जुर्म और दुश्मनों को और सिख पंथ विरोधियों को टक्कर देने के लिए अपनी खालसा फौज को अमृत पान करवा कर शेर बनाया था।
ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੱਸਾ ਕੇ ਸਾਥ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। अन्नदान महादान का नारा देते हुए महावीर वेलफेयर सोसाइटी सिविल लाइंस लुधियाना की ओर से हर महीने की तरह आज जैन स्थानक एसएस जैन सभा सिविल लाइंस लुधियाना में राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 31 जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया गया। यह राशन वितरण समारोह हर महीने संक्रांति वाले दिन आयोजित किया जाता है। अन्नदान महादान का नारा देते हुए महावीर वेलफेयर सोसाइटी सिविल लाइंस लुधियाना की ओर से हर महीने की तरह आज जैन स्थानक एसएस जैन सभा सिविल लाइंस लुधियाना में राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 31 जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया गया। यह राशन वितरण समारोह हर महीने संक्रांति वाले दिन आयोजित किया जाता है। हम महावीर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर महीने 31 ज़रूरतमंद फैमिलीज़ को राशन वितरण करते हैं और हर संक्रांति को ये वितरण किया जाता है। आज भी राशन वितरण किया गया है 14 अप्रैल को संक्रांति वाले दिन, और आज का राशन का लाभ संतोष जैन, शर्मन शॉल्स, फूलचंद जी जैन शाही लिबास और सरिता जैन धारा फार्मेसी, इन सब ने आज के राशन का लाभ लिया है। इसके साथ और भी बहुत महानुभाव हैं जिन्होंने इस महान कार्य में अपना योगदान दिया है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। अभी रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बाकी के समाचारों के साथ। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर हौसलों और जज्बों की वो इमारत जिसकी नींव विश्वास पर टिकी है, लुधियाना का बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल जहां लगे अति आधुनिक इक्विपमेंट्स, देश के बेहतरीन फेमस डॉक्टर्स की टीम पेशेंट्स को स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। अफोर्डेबल प्राइस में एक हाई क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट लुधियाना के लोगों के लिए समर्पित है, जिसके पीछे का मकसद लुधियाना शहर में अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज हर किसी को मिले। डेंटल, आईज, कार्डियोलॉजी, ऑर्थो, गायनी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्री, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स हैं और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, सिटी स्कैन और कई आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर में सभी संभव प्रयास द्वारा पेशेंट्स की देखभाल की जाती है और यही क्वालिटी विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर को जीवन रक्षक का दर्जा दिलाती है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। नील सरोवर से जल लेके आना मेरे प्रभु के नावन के लिए, महोत्सव है आया गुरु का दीक्षा, महोत्सव है आया संयम स्वर्ण, महोत्सव है आया। तू पास है गुरुवर मेरा, विश्वास है विश्वास है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर पंजाब सरकार के बाल विकास और स्त्री सुरक्षा विभाग की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को समर्पित कुपोषण कृतियों को खत्म करने के लिए गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का एक कार्यक्रम सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित किए गए, जिसके तहत लुधियाना में अर्बन 4 के जवद्दी कला के आंगनवाड़ी सेंटरों में गोद भराई की रस्म करवाई गई, जिसमें इलाके के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में वार्ड नंबर 70 के कौंसलर दिलराज सिंह ने महिलाओं को गोद भराई की रस्म में
फल फ्रूट और बच्चों को खाने पीने का सामान दिया। आंगनवाड़ी वर्कर हाकम कौर ने बताया कि दिन ब दिन बच्चों के कुपोषण की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण सरकार चिंतित है और उन्होंने इस कुपोषण की बीमारी के शिकार होने वाले बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की गोलियां जच्चा बच्चा सेहत संबंधी विस्तार से बताया है। वहीं कामरेड शिंदर सिंह ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सरकार ने कुपोषण की बीमारी को खत्म करने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो प्रशंसनीय है और लोकहित में है। मैं इत्थे कहना चाहना भी बहुत वधिया सोच आ जिहड़े आंगनबाड़ी दे वर्कर आ जां आंगनबाड़ी च कुड़ियां कम कर रहियां वा, अज जो आंगनबाड़ी दे विच जो गर्भवती मामा साडे बच्चे आ उहनां नूं सिहत सहूलतां बारे दस्सिया गया ते बच्चियां नूं गाहां लैण दित्ती गई। साडे देश दे अंदर हर जगह ये प्रोग्राम होना चाहीदा, हर जगह आंगनबाड़ी दे विच तां प्रचार कीती जावे वे साड़ियां मावां इनू गांव वधू नीतियां नू लैके तां पूरे हिंदुस्तान दे विच जागृत कीता जावे। अज ना विसाखी दे दिहाड़े ते असीं गर्भवती औरतां दा मतलब गोद भराई रस्म कीती आ ते नाले बच्चियां दा पोषण पद्धर ते असीं मतलब भार कीता इन्हां दा रस्म। बस जिवें मतलब सानू जिवें भी दफ्तर वालों सी डी पी ओ मैडम वालों सानू ऑर्डर आए हैगे आ वी इन्हां दी गोद भराई दी रस्म करनी आ वी ओह गोद भराई रस्म कीती आ। लुधियाना से कैमरामैन प्रकाश जस्सा के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। श्री जगदम्बे धाम श्री देवी तालाब मंदिर सब्जी मंडी नकोदर में बैसाखी और संक्रांत का त्यौहार बहुत श्रद्धा पूर्वक और धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर में बने सरोवर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर महामाई जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके श्री जगदम्बे धाम प्रबंधक समिति श्री देवी तालाब मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर का भी प्रबंध किया गया। नकोदर पुलिस की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। श्री जगदम्बे धाम श्री देवी तालाब मंदिर सब्जी मंडी नकोदर में बैसाखी और संक्रांत का त्यौहार बहुत श्रद्धा पूर्वक और धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर में बने सरोवर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर महामाई जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके श्री जगदम्बे धाम प्रबंधक समिति श्री देवी तालाब मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर का भी प्रबंध किया गया। नकोदर पुलिस की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। जगदम्बे धाम देवी तालाब मंदिर नकोदर अज बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पवित्र जल की सफाई 5-6 दिन लगा के की गई है। ये सारे शहर निवासी बच्चे बुजुर्ग मातावान भैन अज स्नान करके इस पर्व को मना रही हैं। साड़ी ये महामाई अगे बेनती है कि जिन्हें भी भगत इतने अज स्नान करके जान उन्होंने मनोकामना पूरी हो। जय माता जी। अज बैसाखी के शुभ दिहाड़े दे जगदम्बे धाम देवी मंदिर सरदार सभा वालों सारे ही शहर निवासियों नूं लख लख बधाई होवे। अज दे शुभ दिहाड़े ते इस पवित्र सरोवर दे विच सारे ही शहर निवासी स्नान करन आंदे हन और मंदिर कमेटी वालों लंगर दा इंतजाम कीता गया है। हर साल दी तरह इस साल भी शहर निवासी हुम हमा के स्नान करन लई आ रहे हन। नकोदर से पुनीत अरोड़ा की रिपोर्ट। बैसाखी और संक्रांति के शुभ अवसर पर आज जिला कचहरी लुधियाना के बाहर कृष्णा एंटरप्राइजेज और गोंगिया मोटर्स की ओर से मानवता की सेवा के लिए लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर सेवा करते हुए लंगर संगत में वितरित कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। बैसाखी और संक्रांति के शुभ अवसर पर आज जिला कचहरी लुधियाना के बाहर कृष्णा एंटरप्राइजेज और गोंगिया मोटर्स की ओर से मानवता की सेवा के लिए लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर सेवा करते हुए लंगर संगत में वितरित कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज 14 अप्रैल 2018 अपना शिव मंदिर नवी कचहरी के बाहर मार्केट वालों बैसाखी और अपना संक्रांति के उपलक्ष्य में लंगर लगाया जा रहा है, जो कि नवा साल सब लई बहुत फायदेमंद और सुख समृद्धि लैके आवे। उस उपलक्ष्य में लंगर लगाया जा रहा है। सारिया संगतां नूं बेनती है कि प्रसाद लैके जा। लुधियाना से कैमरामैन हनी के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट।
खालसा साजना दिवस यानी बैसाखी की मंगलमयी बेला के अवसर पर विश्व के कोने कोने में बैठे सिख समुदाय से संबंधित लोग इस दिन को बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाते हैं। लुधियाना में भी खालसा पंथ के जन्म के संबंध में अलग अलग जगहों पर धार्मिक गुरमत समागम रखे गए, जिनमें गुरुद्वारा सिंह सभा भाई रणधीर सिंह नगर में आज का यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में संगत ने नतमस्तक होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। खालसा साजना दिवस यानी बैसाखी की मंगलमयी बेला के अवसर पर विश्व के कोने कोने में बैठे सिख समुदाय से संबंधित लोग इस दिन को बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाते हैं। लुधियाना में भी खालसा पंथ के जन्म के संबंध में अलग अलग जगहों पर धार्मिक गुरमत समागम रखे गए, जिनमें गुरुद्वारा सिंह सभा भाई रणधीर सिंह नगर में आज का यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में संगत ने नतमस्तक होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भाई रणधीर सिंह नगर ई ब्लॉक वालों सारी संगतों को खालसा साजना दिवस की लख लख वधाई होवे। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आज के दिन खालसा पंथ की सृजना की सी, सब नू कहा सी सिखा नू, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ और अमृत पान करा के सारिया नू गुरु वाले बनाया। साडा सब दा फर्ज है, साड़ी सिख कम्यूनिटी दा और सरबत दे भले वास्ते असी लोग सदैव काम करिए। लुधियाना से कैमरामैन संजय के साथ भूपिंदर शान की रिपोर्ट। भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर पंजाब सरकार के बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर अर्बन एक की तरफ से कुपोषण कुरीतियों को खत्म करने के लिए गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का एक कार्यक्रम होलीडे स्कूल अमरनगर लुधियाना में आयोजित किया गया, जिसके तहत महिलाओं को जागरूक करते हुए खाने पीने की चीजें वितरित की गई। भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर पंजाब सरकार के बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर अर्बन एक की तरफ से कुपोषण कुरीतियों को खत्म करने के लिए गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का एक कार्यक्रम होलीडे स्कूल अमरनगर लुधियाना में आयोजित किया गया, जिसके तहत महिलाओं को जागरूक करते हुए खाने पीने की चीजें वितरित की गई। टुडे ऑन दिस न्यूट्रिशनल डे आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ए न्यूट्रिशनल सेमिनार कैंप फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज of this area in order to give them the values of nutrition taki oh apne janam dene wale bacche da proper vikas kar sakan unhan nu eh dassya gaya ki is dauran oh kehdi khuraak kinni matra de vich lain taki unhan de sharir da unhan de bacche de sharir da sarvpakhi vikas ho sake। Ludhiana se cameraman Hani ke saath Bhupinder Shan ki report। बठिंडा में आज जय भीम यूथ क्लब सहित विभिन्न दलित समुदाय समाज द्वारा बठिंडा के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मदिन मनाया गया। सैकड़ों लोगों ने बाबा साहेब की फोटो को नमन करते हुए रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर लंगर भी लगाया गया। बठिंडा में आज जय भीम यूथ क्लब सहित विभिन्न दलित समुदाय समाज द्वारा बठिंडा के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मदिन मनाया गया। सैकड़ों लोगों ने बाबा साहेब की फोटो को नमन करते हुए रैली का आयोजन किया। इस अवसर पर लंगर भी लगाया गया। आज असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 127वें जन्मदिन मनाते हुए अज अंबेडकर साहब के पार्क विखे बठिंडा विखे बाबा साहब के चरणों के फुल अर्पण करके बाबा साहब का जो अज का 127वां जन्मदिन असी लोक जनशक्ति पार्टी वालों पूरे जोर शोर नाल असी मनाने का जिहड़ा कम किया। जय भीम यूथ क्लब वालों ये प्रोग्राम देखा जी। की प्रोग्राम है? प्रोग्राम यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 127वां जन्म दिहाड़ा अं मना जा रहे हैं जी। पहला हर साल ही मनाते हैं, लेकिन जी शोभा यात्रा का प्रोग्राम आ पहली बार है जी, जिसे कि असं सारे ही शहर के सारे ही जथेबंदियां इकट्ठिया होकर यह शोभा यात्रा कढ़ने जा रही। बठिंडा से दीपू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं काव्या जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और नए समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहें आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।